मेरे से तो एक दफा गाड़ी भी छीन के ले गए थे ओला में। गाड़ी छीन के ले गए थे कैसे? दो बंदे थे वो, मतलब चाकू वाकू सामान भी था उनके पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ दोबारा कुछ काम से, तो गाड़ी में लेके नहीं आया, आज कैब से ही जा रहा हूँ आज भी। तो क्या कहते हैं, वैसे तो मेरी 10-15 मिनट की राइड है, तो मैं भाई से बात करते आता, एक भाई है, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है भाई की भी, 20-21 साल की एज है ना, 20-21 साल एज है हमारी। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम इश्तिकार है। इश्तिकार है भाई का नाम। तो मैं वही बात करते आ रहा था, मतलब कि रात को चलाते हो तो क्या कभी कुछ हुआ है ऐसा? कह भाई तो कह रहा है रात को तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो दिन में ही हो गया। दिन में हुआ था तुम्हारे साथ? दिन में हुआ था। और वो जो मैं कश्मीरी गेट, कश्मीरी, अच्छा हाँ, वो मैं बताता हूँ अभी कश्मीरी गेट पे क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या है, मैंने जो भाई से पूछा ये क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ भी वही वाला इंसिडेंट तो नहीं हुआ जो मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया था? सबने देखा होगा जो वीडियो देखते हैं, और कि क्या कहते हैं, वो एक बंदा फोन करता है कि मैं 3,500 रुपये भेज दूंगा, मतलब भेज दूंगा तो 500 रुपये की राइड है, 500 रुपये रख लेना और 3,000 रुपये क्या कहते हैं कस्टमर को दे देना, मेरी वाइफ होगी उनको दे देना ये वो। तो मैंने जैसे ही इनको जो 3,500 रुपये वाली में बात करी ना भाई से, भाई ने बोला हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ है वो। तो बस वही बात थी। अब मैं भाई की शक्ल तो दिखा नहीं रहा क्योंकि भाई ने बोला कि मेरी शक्ल मत दिखाना। तो मैं चलो जो भी प्राइवेसी कंसर्न है वो मैं दिखाऊंगा नहीं उस चक्कर में, बाकी वीडियो में बना रहा हूं तो मेरी शक्ल देख लेना। भाई की आवाज़ जाएगी पीछे पीछे साइड से, वो आवाज़ सुन। तो बताओ फिर क्या हुआ था, कहाँ से राइड उठाई? एक बार कश्मीरी गेट की बात थी, एयरपोर्ट की बुकिंग आई मेरे पास। अच्छा। कस्टमर कहता है कि भैया आ जाओ लोकेशन पे। हाँ। लोकेशन पे जाने के बाद कहता है कि भैया आप ना मैडम को एयरपोर्ट छोड़ देना। हाँ। और मैं आपको 3,500 रुपये पेटीएम कर देता हूँ। अच्छा। मुझे अपना वो नंबर बता दो, फोन पे का या पेटीएम का। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी। हाँ। मैंने उसको अपना नंबर दिया। हाँ। मैंने कहा सर मुझे पता था ऐसे कि फ्रॉड है ये। हाँ। तो मैंने भैया को कहा ठीक है, मैं नंबर दिया उसको UPI का अपना। अच्छा, तो तुम्हें पता था पहले से फ्रॉड है वो? हाँ, मुझे पहले भी हो चुका है क्या? पहले भी हुआ ना मेरे साथ। अच्छा, दो तीन दफा हुआ ऐसा। तीन बार हुआ? तीन बार हुआ भाई, तीन बार। एक दफा यहाँ पे कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, एक दफा गुड़गांव में हुआ था। अच्छा अच्छा, मेरे को तो एक दो बंदे ने एम्स की तरफ ही बताया वैसे तो। हाँ, ज्यादातर इधर ही होता है कनॉट प्लेस, ये एम्स और ये तुम्हारा कश्मीरी गेट, इधर की साइड ही होता है ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो मैंने उसको UPI अपना नंबर दिया। हाँ, तो भैया ठीक है नंबर ले लो आप। नंबर लेने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको 3,500 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ। मैंने कहा नंबर ठीक है। हाँ। मेरे पास मैसेज आया पैसे 3,500 का। मैंने कहा लगता है 3,500 रुपये आ गए। नॉर्मल मैसेज कर देते हैं, नॉर्मल मैसेज बैंक की तरफ, ऐसे ही लगता है जैसे अकाउंट में आ गए, ऐसा ही मैसेज लगता है। तो मैंने अपने अकाउंट में जाके चेक करा। हाँ। मैंने कहा ठीक है सर आ गए हैं पैसे। हाँ। आप मैडम को भेज दो, पैसे ले जाएंगी। हाँ। मैं छोड़ दूंगा एयरपोर्ट। हाँ, हाँ, हाँ। उसको मैंने उल्टा सीधा बोला कि आप भेज दो, मैं 3,500 रुपये देने के लिए तैयार। अच्छा, मैडम आ गई थी? नहीं, मैडम नहीं आई। हाँ, वही तो फ्रॉड था ना, फ्रॉड तो वो आता नहीं है। हाँ, आता नहीं है। हाँ। इतने में गाली गलौज हुई, वो गाली दी मैंने भी दी उसको। इतने में उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। मैंने कहा उसने बुकिंग कैंसिल कर दी थी फिर। हाँ, हाँ। मैं वहाँ से निकल गया, मैंने पार्टनर को कॉल करना चाहा लेकिन ओला को। अच्छा, तो रिस्पॉन्स नहीं आया ना उधर से, ओला का तो वैसे ही सीन खराब, पार्टनर केयर बंद है ना। हाँ, ओला का पार्टनर केयर। हाँ। तो इस वजह से कोई फायदा नहीं है ना ओला में, फ्रॉड होता है। फ्रॉड होता है। अच्छा, मेरे फ्रेंड के साथ में भी हुआ है ना सर। अच्छा, तुम्हारे? हाँ, अच्छा, उनके साथ भी। हाँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर दिखा दो तो रहे तो। वैसे उस भाई ने भी दिखाया था मेरे को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले, उन भाई ने भी स्क्रीनशॉट दिखाया कि देख लो स्क्रीनशॉट पड़ा है मेरे साथ ही। और ये मैंने भाई से बात करी थी तो भाई कह रहा कि ओला तो वैसे बेकार ही हो गया है, पार्टनर केयर वैसी बंद है, रात में कुछ दिक्कत हो जाए दिन में दिक्कत हो जाए। अभी महिपालपुर की बात है। हाँ। ऐसी एज थी, मतलब फरीदाबाद के रहने वाले थे वो, 50-55 साल की एज थी उनकी, बुजुर्ग थे बेचारे। तो उनके साथ में क्या सीन हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। उनके साथ में ये हुआ था, कस्टमर ने मेरठ के थे लड़के, वो मेरठ के थे, दोनों गाड़ी बुक करी ओला में। बुक करने के बाद अंकल को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। बिठाने के बाद चल दिए लेके कैब को। अच्छा। महिपालपुर जो पीछे वाली खिड़की है ना, इसमें को हाथ उनको बाहर निकाल के पूरा। हाँ। शीशा नीचे डाउन करके हाथ पकड़ लिया। हाँ। ओला की यही बात। हाँ। तो उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, एक बंदे ने उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा। महिपालपुर की बात है ये, वो बताओ रात की बात होगी, रात की बात है, पब्लिक वीडियो बना रही है, उसको रोक भी नहीं रहा कोई। तो ये तो सीन तो कहीं हो गए वैसे भी। ओला का मतलब सपोर्ट भी नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं है, किसी को फोन करे कुछ करे, अगर ड्राइवर को मार के भी ना कोई तो आगे से ले लेंगे। बस इधर से है रास्ता, ये वाला। हाँ, ये वाला रास्ता है।
मेरे से तो एक दफा गाड़ी भी छीन के ले गए थे ओला में। गाड़ी छीन के ले गए थे कैसे? यहाँ की ग्रेटर नोएडा की बात थी। हाँ हाँ। दो बंदे थे वो, उन्होंने मतलब चाकू वाकू सामान भी था उनके पास। हाँ हाँ हाँ। वो वाला उस भाई ने भी मेरे को मैसेज दिखाया था, देखो मैसेज भी भाई ने भी दिखा दिया, मतलब हुआ है ये बंदा। तो जो बंदा ये वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भैया, अगर ऐसा कुछ हो कभी तो सीधा ऐसी बुकिंग उठाना मत कभी, और पैसे तो भेजना मत कभी भी, पैसे मत भेजना, फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड ही होता है वैसे रात में भी, अगर कस्टमर मानने की बात है ओला में तो। मैं हालांकि ओला में रात में कोई बुकिंग करता ही नहीं है, बहुत कम लोग जो है नए नए जो लोग हैं जिनको पता नहीं है वो करते हैं, लेकिन मेरा तो कहना यही है कि ओला में ना ही करो तो अच्छा है। हाँ। और जो जैसे तुम्हें वो लेके थे ग्रेटर नोएडा लेके, फिर उन्होंने क्या बोला मजाक रात को? हाँ नहीं पसर की बात थी, मतलब सुबह 5:30 की, सुबह 5:30 की। अच्छा 5:30 की बात थी ग्रेटर नोएडा परी चौक की। कितने टाइम पहले की बात है ये? ऐसे हो गए इन बातों को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा। उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम तो यही हुआ था, बुकिंग की उन्होंने आनंद बिहार से पिकअप कर लिया। उसके बाद मैं उनको लेके चला गया वहाँ पे। ले जाने के बाद उन्होंने लोकेशन पे पहुँचने के बाद वो गड़बड़ी करने लगे कि पैसे कितने हैं। तो गाड़ी दे दी तुमने उन्हें? हाँ गाड़ी भी दी, गाड़ी मेरा फोन, गाड़ी का फोन सब, पैसे सब कुछ ले गए थे। फिर कुछ पता चला? कुछ एक हफ्ते में मिल गई थी गाड़ी। पुलिस कंप्लेंट करी थी? पुलिस कंप्लेंट करी थी। अच्छा। एक हफ्ते में जाके तो कंप्लेंट लिखी थी पुलिस वालों ने। अच्छा, वो ही मान नहीं रहे होंगे? हाँ मान नहीं रहे थे ना, वो कह रहे थे कि जहाँ से पिकअप किया है वहाँ पे आप जाओ। अच्छा, तो शाम भी आनंद विहार के पास में। और आनंद विहार वाले बोलते थे कि नहीं जहाँ से जहाँ से गाड़ी चोरी हुई है वहाँ पे जाओ। अच्छा यही सीन। तो बाद में बंदे पकड़े गए? नहीं बंदे को, बंदे की बात पूछो तुम भैया, रोजी पे बैठा हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे 2 बच्चे हैं। पुलिस वाला उनको जानता है। अच्छा उनको जानता है? पुलिस वाला उनको जानता है, तब भी कुछ वो नहीं, मतलब पुलिस वाले ने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया। अच्छा बाद में बस तुम्हारी गाड़ी दिलवा दी? हाँ गाड़ी दिलवा दी बाद में, उसमें तुम्हारा बस तुम्हारे कई चक्कर लगे। लेकिन हमारे तो भैया हमारा तो पूरा मतलब 10 दिन हमारे, हम ये मानो आप शालीमार गार्डन रहते हैं गाजियाबाद, तो यहाँ से ग्रेटर नोएडा परी चौक कितना है ये देख लो आप, हमारा तो बहुत दूर बैठ जाएगा। बहुत दूर बैठ जाएगा, सही बात है। एक हफ्ते तक मामूली बात नहीं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, दिन में 1 चक्कर लग रहा है, 2 चक्कर लग रहे हैं, 3 चक्कर लग रहे हैं। बिल्कुल। चलो भैया गाड़ी तो मिल गई तुम्हारी, उसके बाद कुछ करके? हाँ गाड़ी तो मिल गई, जान भी बची कुछ तुम्हारे, जान भी बच गई थी, कोई दिक्कत, वरना तुम कुछ करते तो अगला बंदा भी हाथ पैर चलाता। हाँ वो तो चलाता, मैंने प्यार से दे दी। तो गाइस तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो ध्यान से जरा गाड़ी बाइक जो भी हो दे दिया करो, पहली बात तो रात की राइड ऐसे उठाया मत करो, उल्टी सीधी जगह के तो बंदे आप राइड उठाते ही नहीं, और ओला तो सेफ है ही नहीं। ओला सेफ नहीं है, ऊबर तुरंत एक्शन लेती है, रात में भी आप कस्टमर को मतलब कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो, कुछ भी वो हेल्प करेगी तुरंत। बिल्कुल। चलो अब हमारी राइड खत्म हो गई, नया पहुंच गया। ऐसी स्टोरीज के लिए और कुछ हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बाइक की शक्ल में दिखा नहीं सकता, वीडियो डाल दूंगा देख लेना, ठीक है? चलो बाय।